चटपटी और मसालेदार खबरों के लिए सब्सक्राइब करें और बेल का आइकन दबाइए और हर एक न्यूज सबसे पहले पाइए। भोजपुरी सिनेमा के पावर स्टार पवन सिंह ने बिहार में आई बाढ़ से पीड़ित लोगों को अनुदान देकर मदद किया है। इन दिनों बिहार में कई जिलों में भीषण बाढ़ आई हुई है, जिसमें अब तक सैकड़ों लोगों ने जान गंवा चुके हैं, लाखों लोग राहत शिविर में रह रहे हैं। ऐसे में पवन सिंह बाढ़ पीड़ितों के मदद के लिए सबसे आगे आए हैं। साथ ही साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार को बिहार के बाढ़ प्रभावित इलाकों का हवाई प्रशिक्षण किया। इस मौके पर पीएम मोदी ने 500 करोड़ रुपए की तत्काल सहायता की घोषणा भी कर दी है। पीएम मोदी ने पूर्णिया में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी के साथ साथ वरिष्ठ अधिकारियों के साथ क्षतिपूर्ति, राहत और पुनर्वास के कार्य की विस्तार से समीक्षा भी की है। समीक्षा के बाद प्रधानमंत्री ने राज्य को हर संभव सहायता देने का आश्वासन भी दिया है। उन्होंने 500 करोड़ रुपए की तुरंत सहायता की घोषणा भी कर दी है। प्रधानमंत्री राहत कोष से प्रत्येक मृतक के परिवार को 2 लाख रुपए और गंभीर रूप से घायल व्यक्ति को 50,000 रुपए की दर से सहायता दिया जाएगा। बिहार के इस सबसे बड़ी राहत पैकेज पर पवन सिंह ने नरेंद्र मोदी के साथ साथ बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के जमकर तारीफ करते हुए दिखे। पवन सिंह ने कहा कि इस राहत पैकेज से बिहार की जनता को एक बार फिर से उनकी जिंदगी पटरी पर आ सकती है। और साथ ही साथ पवन सिंह ने सभी भोजपुरी इंडस्ट्रीज से लोगों से अपील भी किया है कि बिहार के बाढ़ प्रभावित लोगों को मदद करें। गौरतलब है कि राज्य के 19 जिलों के 186 प्रखंड में 1.61 करोड़ से ज्यादा की आबादी बाढ़ प्रभावित लोग हैं। बाढ़ की चपेट में आने के बाद अब तक करीब 450 लोगों की मौत की पुष्टि हो चुकी है।